आप देख रहे हैं ओटीटी क्रेजी। एक बहुत ही बड़ी ओटीटी वेब सीरीज रिलीज हुई 28 जनवरी 2022 को। इसका नाम था ऑल ऑफ अस आर डेड, और यानी कि हम सब लोग मर चुके हैं। और ये वेब सीरीज 12 घंटे 13 मिनट की है टोटल। इसका स्क्रीन टाइम टोटल 12 एपिसोड्स है, और हर एक एपिसोड 50 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का है। बहुत ही लंबा है। इसको मैंने बिंज वॉच किया और 30 घंटे के अंदर मैंने ये 12 घंटे की सीरीज खत्म की है। एंड परसों और कल मैं यही कर रहा था, बहुत ज्यादा वक्त गया। उसके बाद मैंने आर्टिकल भी लिखा वेबसाइट पर मेरे bollywoodcrazy.com पर। एनीवेज, ऑल ऑफ अस डेड एक डिफरेंट तरह की वेब सीरीज है, ज़ोंबी हॉरर जो बहुत ही पॉपुलर है उसको लेकर है। और मैंने ट्रेन टू बुसान साउथ कोरिया की फिल्म ऑलरेडी देखी है, तो साउथ कोरिया की फिल्मों का जो हॉरर जेनर है, स्पेशली ज़ोंबी हॉरर, वो टॉप नॉच का होता है। और ट्रेन टू बुसान टू दोनों देखी थी तो मुझे वो समझ में आ गया था। इवन कई सारी हॉलीवुड की आप वैम्पायर फिल्में देखो, वो उतना मजा नहीं आएगा जितना आपको कोरियन हॉरर ज़ोंबी हॉरर में मजा आएगा। तो ट्रेन टू बुसान की तर्ज पर बनी ऑल ऑफ अस आर डेड ये फिल्म, जैसे स्क्विड गेम बहुत फेमस हुई थी वेब सीरीज पिछले साल की, हेल बाउंड एक बहुत फेमस वेब सीरीज है साउथ कोरिया की, उसी तर्ज पर ये भी थर्ड पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर कोरियन साउथ कोरियन ड्रामा ऑन नेटफ्लिक्स। फिलहाल 25 कंट्रीज में ये नंबर 1 पर ट्रेंड हो रहा है, इंक्लूडिंग थाईलैंड, मलेशिया, साउथ कोरिया। तो कुल मिलाकर आखिर क्या है ऑल ऑफ अस आर डेड, मैं आपको बताता हूं। तो एक साइंटिस्ट रहता है, बेसिक स्टोरी बताऊंगा, वो बहुत ही होशियार समझदार साइंटिस्ट रहता है। उसके बच्चे को जो 14-15 साल का रहता है, उसको स्कूल में बुली किया जाता है, मतलब तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो उसी कंप्लेंट वो साइंस टीचर, वो टीचर उसी स्कूल में पढ़ाता भी रहता है। प्रिंसिपल को जाके बताता है कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा बुलिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो प्रिंसिपल उसे सुनते नहीं है और इस मामले को ठंडा कर देता है। कई दफा वो जाता है अपने बच्चे को लेकर कि मेरे बच्चे को सताया जा रहा है, बहुत सारे जो कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे वो बुली कर रहे हैं, हाई स्कूल के बच्चे, तो यूसान झा स्कूल के, और कुछ सुनता नहीं उसकी। अब उसके बाद क्या होता है ना, तो उसके पास ऑप्शन नहीं बचता, तो वो सोचता है कि मेरे बेटे को मैं ताकतवर बनाऊं। तो किसी तरह से एक तरह का वायरस वो क्रिएट कर देता है, जिससे उसे लगता है कि उसके बेटे पे अगर वो लगाएगा वो वायरस, तो उससे वो ताकतवर हो जाएगा, तब उसको कोई हरा नहीं सकता, ऐसा नहीं वैसा नहीं। बट उससे वो एक्चुअली बन जाता है ज़ोंबी, ठीक है। और अब ज़ोंबी बन जाता है वो, और वो जो इन्फेक्शन है एक से दूसरे तीसरे तक फैलने लगता है उस स्कूल में, ह्यूसान जो हाई स्कूल आई थिंक है। अब ये सीन है कि वायरस धीरे धीरे फैल रहा है, एक बंदा दूसरे को काट रहा है तो वो ज़ोंबी बन रहा है। तो उसी स्कूल में एक ग्रुप है, दो ऐसे बच्चे हैं जैसे कि एक लड़का लड़की है 14-15 साल के, दोनों आसपास के नेबर्स रहते हैं, और वो दोनों एक दूसरे से, मतलब स्पेशल लड़का लड़की से प्यार करता है। तो एक ये नेबर होते हैं, और इसी में 3-4 कैरेक्टर्स और होते हैं, और सब स्कूल के जैसे फ्रेंड्स होते हैं। तो ये सब फ्रेंड्स साथ में अब मिलकर कैसे खुद को बचाते हैं इस ज़ोंबी अटैक से, वो इस पूरे वेब सीरीज की कहानी है। और वो जो भी 10-15 लोग या 20 लोग है, तो उसके कैसे कैसे कम होते 5-6-7-8 कितने बचते हैं लास्ट में, वो आपको देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। करेक्ट, बहुत डिफरेंट तरह का वेब सीरीज है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक वक्त तक ऐसा लगता है कि मतलब मेरे को नींद आ रही है, मैं थक गया हूं, क्योंकि 12 घंटा देखना इतना आदत नहीं है ना यार। हमें वेब सीरीज ज्यादा से देखे 7-8 घंटा, बड़ी सबसे वेब सीरीज देखी तो शायद ये मनी हीस्ट का फर्स्ट सीजन देखा था 10 घंटे के आसपास, या फिर मैंने ये देखा था क्या बोलते हैं स्कैम 1992 पहला सीजन। मतलब इसमें इतने बड़े बड़े जो भी जो 10 घंटे के आसपास वो भी था, मतलब इसमें इतना बड़ा सीरीज नहीं देखा है। सो मुझे टाइम लगा समझने में, देखने में अच्छा बना है, इमोशंस हर जगह सही है, मेहनत सही किया गया, बट ऐसा लगा कि कहीं कहीं जगह कुछ स्ट्रेच है, बहुत लंबा खींचा गया है, लंबा किया गया है इस वेब सीरीज को। लेकिन मानना पड़ेगा जो दोनों डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने इस फिल्म में इमोशंस जो था वो डाले रखा लास्ट मोमेंट तक। ऐसा लगता है कि एक इमोशनल टेल चल रहा है, कैसे बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए सेक्रीफाइस करता है, माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए बेटी को बचाने के सेक्रीफाइस करती है, एक सेक्रीफाइस के बाद किस तरह से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आप अपने अलावा दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, वो भी दिखाती है वेब सीरीज। बहुत सारी चीजों के ऊपर दिखाती है, एक विलेनस टाइप का करेक्टर है जो मरता ही नहीं, एक अलग ही तरह का वेरिएंट हो जाता है, यानी कि ज़ोंबी तो हो ही जाते कैसे लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके दिमाग पे वार लगता है
और ये जो वायरस अगर दिमाग में चला गया तो इंसान एक डिफरेंट तरह का वेरिएंट बन जाता है, ना तो वो पूरा ज़ॉम्बी होता है ना तो पूरा ह्यूमन होता है। तो इस तरह के भी अलग अलग वेरिएंट बन जाते हैं। तो दो इस तरह के वेरिएंट दिखाए गए हैं जिनमें से लड़का तो मर जाता है, विलन टाइप जो रहता है, और दूसरा जो वेरियंट लड़की नामना करके उसका नाम रहता है वो जिंदा रहती है। और इस वेबसीज की खास बात ये है कि ज़ॉम्बी अटैक में, मैं अब स्पॉइलर तो नहीं देना चाहूं, कई लोगों ने नहीं देखा है, लास्ट में एक लड़की को दिखाया गया नामरा करके, वो ज़ॉम्बी बन जाती है लेकिन पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनती है वो। और उसके बाद एंड में ऐसा दिखाया गया है कि अफकोर्स गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि सब वापस से नॉर्मल हो चुका है, यूसांग जो शहर है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन बाद में पता चलता है कि नामना जो है वो अभी भी उस वायरस के साथ इन्फेक्टेड है। तो वो लास्ट में बोलती हुई जाती है वेब सीरीज में कि मेरी तरह ऐसे लोग और भी है। और यहाँ पे यूसांग पे बम एक्सप्लोड किया गया था, 170,000 जो लोग हैं उसमें से 60,000 लोग इस ह्यूसांग बम एक्सप्लोजन में मारे गए थे, जो ज्यादातर ज़ॉम्बीज बन चुके थे। ठीक है, तो अब कहने की बात यह कि क्या सब लोग मारे गए, क्या उनमें से कुछ ज़ॉम्बी अभी बचे हैं, जैसे सरकार कह रही है कि नहीं बचा है कोई भी, लेकिन क्या ज़ॉम्बी बचे? क्योंकि नामरा अगर बची तो वो भी एक तरह की काइंड ऑफ ज़ॉम्बी है और काइंड ऑफ ह्यूमन, एक डिफरेंट वेरियंट। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगी। तो इसकी जो एंडिंग है इसमें यही समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो साइंटिस्ट रहता है, पागल साइंटिस्ट जो अपने बच्चे पे इंजेक्शन लगाता है और अपनी वाइफ पे भी लगाता है, वो दोनों मरे नहीं है, ये भी दिखाया गया है इस सीरीज में एंड में। तो अगर इस सीरीज को एक्सटेंड करना हो, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स तो बचे ही थे 7-8 लोग, तो इस सीरीज को एक्सटेंड करना होगा तो नामरा का जो पर्सपेक्टिव है ना, नामरा की स्टोरी जो है उसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, या फिर वो जो मिलिट्री वाले जो जो साइंटिस्ट के बच्चा और वाइफ जो बची रहती है उसको लेकर जाते, उससे कुछ ना कुछ नया सामने आता है, क्योंकि ये जो वायरस है हमेशा डेवलप इवॉल्व होता रहता है। तो बहुत सी चीजें हैं सेकेंड सीजन के लिए जो शायद मेकर से बचा के रखे, लेकिन हाँ बहुत ही लंबा वॉच टाइम था इस वेब सीरीज का, बट मुझे अच्छा लगा। कोरियन ज़ॉम्बी हॉरर का, मैं एक तो हॉरर वैसे ही पसंद है, ज़ॉम्बी हॉरर अच्छा लगता है, और ट्रेन टू बुसान वगैरह तो मुझे पसंद नहीं थी। तो मैं बहुत उम्मीद से देखा था वेब सीरीज और मुझे उस उम्मीदों पर खरी उतरती नजर आई इस वेब सीरीज, और मुझे लगता है कि सेकंड सीजन के लिए भी मैं वेट कर रहा हूँ। और एक चीज साफ है कि साउथ कोरियन ज़ॉम्बी हॉरर से बेहतर कुछ नहीं, क्या मेकअप, क्या हेयर स्टाइलिंग, क्या खतरनाक सीन्स है, मतलब लगता है कि कुछ बनाया है, मतलब लगता है कि पैसा वसूल है। तो इफ यू हैवंट वॉच ज़ॉम्बी हॉरर ऑल ऑफ अ सर डेड, गो एंड वॉच इट। फॉर मी इट्स 4-star रेटिंग आउट ऑफ 5 एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द सिनेमेटोग्राफर, क्या कैमरा एंगल्स आपने लिया, और द एडिटर, द फाइटिंग वाला जो भी बंदा जिसने, और जो मेकअप वाले, वो सबको क्रेडिट जाता है, बहुत अच्छा बना है, म्यूजिक बढ़िया है, लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट टू बी, बट अच्छा लगा मुझे, मैं इतना कह सकता हूँ। चलिए फिलहाल कितना दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड डू वॉच ऑल ऑफ अस आर डेड, एंड लेट मी नो योर रिएक्शंस इन द कमेंट्स।